ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आज रात में 8:30 बजे कोरोना रोकथाम के लिए लाइव आकर सख्त निर्देश जारी किया है CM उद्धव ठाकरे ने। राज्य में 15 दिनों तक धारा 144 का ऐलान किया है और CM उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अनावश्यक बाहर न निकले। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की ओर से अनाज फ्री देने का ऐलान किया गया है। 3 किलो गेहूं, चावल करीब 7 करोड़ लोगों को देने का यह ऐलान किया गया है। साथ ही अगले महीने से शिव भोजन 1 महीने के लिए फ्री देने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना की वजह से 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगने की बात सामने आ रही थी, मगर वहीं CM उद्धव ठाकरे ने संबोधित करते हुए कहा है कि 15 दिनों तक धारा 144 का ऐलान किया गया है और गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, बैंक खुले रहेंगे, यातायात चालू रहेगी, होटल से आप पार्सल ले सकते हैं या डिलीवरी मंगा सकते हैं, लेकिन आप होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। ई कॉमर्स सेवाएं खुली रहेंगी। पत्रकारों, सुरक्षा गार्ड और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। नियम कल रात करीब 8 बजे से लागू होगा। साथ ही उद्धव ठाकरे ने 12 लाख कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। फेरी वालों और परमिट ऑटो रिक्शा चालकों को भी 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। CM ने कहा है कि रजिस्टर्ड आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार 2000 रुपए आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं 3300 करोड़ रुपए अलग से सभी जिलों के जिला अधिकारियों को बांटे जाएंगे ताकि वो अपने जिलों में कोरोना से संबंधित जरूरत सामानों को खरीद सके। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति भयावह बताते हुए CM उद्धव ठाकरे ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में डॉक्टरों की अब सख्त जरूरत है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड आदि सभी चीजों की बढ़ोतरी पर काम किया जा रहा है। साथ ही MBBS डॉक्टरों से मदद की अपील CM उद्धव ठाकरे ने की है। यानी कि जिस तरह से CM उद्धव ठाकरे ने कड़क संचार बंदी का ऐलान किया है और कल रात से ये नियम 8 बजे से लागू हो जाएगा और लोगों से CM ने नियम पालन करने का आदेश किया है, ये कड़क संचार बंदी कल रात 8 बजे से लागू हो जाएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।